हमारी रसोई. टुडे आई एम मेकिंग सी फूड सिज़लर. यहाँ पर मैंने फिश को नमक, काली मिर्च, क्रश रेड चिली और लेमन जूस लगाकर एक घंटे पहले मैरिनेट करके रखा हुआ है. ये बोनलेस कर लिए मैंने इसे. यहाँ पर मैंने बोम्बिल लिए हैं. ये रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है. बोम्बिल फ्राई करके आप देख सकते हैं. यहाँ पर मैं तंदूरी प्रॉन्स बनाने वाली हूँ. इसकी भी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है. यहाँ पर मैंने बड़ी वाली हरी मिर्च ली है. एक बैटर बनाऊंगी जिसमें फिश को और ग्रीन चिली को दोनों को मिक्स करके डीप फ्राई करूंगी. यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 कटोरी मैदा, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट डाल दिया है. अब इसमें मैं 1 अंडा डालूंगी. इसे अच्छे से मिक्स करूंगी. इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे. और एक स्मूथ बैटर बना लेंगे. ये देखिए बैटर रेडी है. इसे 10 मिनट के लिए रख दूंगी मैं. ये देखिए कितना स्मूथ बैटर बना है. यहाँ पर हम बर्न गार्लिक चिली राइस बना लेते हैं. इसके लिए मैंने 1.5 टेबलस्पून गार्लिक को चॉप किया हुआ है वो इसमें डालूंगी. रेड चिली होल 5 है ये, वो इसमें मिक्स करूंगी. इसे अच्छे से पकाएंगे. यहाँ पर गार्लिक ने और चिली ने कलर चेंज कर लिया. इसके साथ ही मैं एक चॉप की हुई स्लाइस की हुई अनियन डाल दूंगी. अब इन सबको साथ में अच्छे से पकाऊंगी. ये देखिए गार्लिक और चिली दोनों डार्क ब्राउन हो गए हैं. अनियन भी पक गई है. गैस को स्लो करके अब मैं इसमें थोड़ी सोया सॉस डाल दूंगी. राइस डालूंगी इसमें. अच्छे से मिल जाएंगे. इसमें अब मैं 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर डालूंगी. यहाँ पर देखिए राइस रेडी है. अब इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ. तेल गरम हो रहा है. यहाँ पर देखिए मैंने ग्रीन चिली को 2 में डिवाइड कर लिया. अंदर के बीज निकाल लिए. इसे मैं बैटर में डिप करूँगी. सेम बैटर में हम फिश फ्राई करेंगे. ये देखिए ग्रीन चिली फ्राई होने लगी हैं. अब मैं इसे निकाल लूंगी.
मैं फिश के पीसेस को फ्राई करूँगी इस सेम ऑयल में। ये देखिए फिश फ्राई हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए फिश फ्राई हो गई है, मैं इसे निकाल लूंगी। पहले मैं सॉस बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, इसमें मैं हाफ कप चॉप लहसुन डाल दूंगी। चार से पांच ग्रीन चिली को चॉप किया था मैंने, वो भी साथ में डाल दूंगी। इसे ब्राउन गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब तक फ्राई करेंगे। ये देखिए लहसुन लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून चॉप हरा धनिया डाल दूंगी। ये देखिए अब इसमें मैं सारी सॉसेज डालूंगी। गैस को थोड़ा स्लो कर दूंगी। वन टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/2 टेबलस्पून वूस्टर चाय सॉस, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप। अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून पेपर पाउडर डालूंगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी। नमक टेस्ट करके डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी सॉसेस में नमक रहता है। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को 1 कप पानी में मिक्स करके रखा था, वो भी इसमें मिक्स कर दूंगी। वन फोर टीस्पून विनेगर डालेंगे। इसमें बॉईल आने तक पकाएंगे। जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। देखिए सॉस में बॉईल आ गया है और ये गाढ़ी भी हो गई है। मैं गैस को बंद कर दूंगी। ये हमारी सॉस रेडी हो गई है। देखिए मैंने सिज़लर प्लेट को गर्म करने के लिए रख दिया है। पत्ता गोभी के पत्ते ले लिए जो इस पे मैं बिछाऊंगी। प्लेट सीजनिंग हॉट हो गई है, अब इस पे मैं पत्ता गोभी के पत्ते रखूंगी। इसमें राइस डालूंगी। ये तंदूरी प्रॉन्स, फिश के पीसेस, जो मैंने चिली फ्राई करी थी, ये बोंबिल फ्राई है,
थोड़ा सा सिजलिंग इफेक्ट के लिए बटर डाल दूंगी। सॉस डालूंगी ऊपर से। देखिए कैसा धुआं निकल रहा है। यहाँ मेरा सी फूड सिजलर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।